मेरे उत्तराखंड के युवा बेरोजगार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने 513 पदों जिसमें से 366 पद राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के हैं और 147 पद लेखपाल के हैं। दोस्तों, ये सभी पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ये सभी पद जिला संवर्ग के हैं, लेकिन अभी आवेदन करते समय आपको इसमें जिले का विकल्प नहीं देना है। जब लिखित परीक्षा इसकी हो जाएगी उसके बाद मेरिट के आधार पर आपसे जिले का विकल्प लिया जाएगा। आवेदन करने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही आप ये नीचे अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के लिए अप्लाई करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना होगा। जो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको अपने से संबंधित सभी समस्त शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित दस्तावेज और सूचनाओं को उसमें भरना होगा। जब आप OTR कर लेते हैं, कई सारे मित्र मेरे ऐसे भी होंगे जिन्होंने और भी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किया होगा, तो उन्होंने अपना OTR अप्लाई कर रखा होगा, तो वही रजिस्ट्रेशन, उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं किया है वे लोग अपना OTR भर लें और उसके पश्चात ही वे आवेदन कर पाएंगे। और किसी ने यदि अपनी से संबंधित सूचनाओं में कोई परिवर्तन करना है तो उन्हें अपने पहले OTR में संशोधन करना होगा और उसके पश्चात ही उन्हें आवेदन करना चाहिए। अब बात करते हैं जो पटवारी और लेखपाल के पद निकले हैं इसमें अर्हताओं की। गाइस, जो अर्हताएं हैं उसमें हम अगर आयु सीमा की बात करें तो पटवारी पद के लिए 21 से 28 वर्ष की आयु होनी चाहिए और जो लेखपाल के पद हैं उनके लिए 21 से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। साथ ही जो अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति हैं उनके लिए नियम अनुसार आयु सीमा में छूट होगी। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो शैक्षिक अर्हता के लिए स्नातक, इसमें शैक्षिक योग्यता रखी गई है। आवेदन शुल्क, जो सामान्य जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें ₹300 का आवेदन शुल्क देना होगा और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी हैं उन्हें ₹150 का आवेदन शुल्क देना होगा। इन पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा होनी है उसमें लिखित परीक्षा होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। जो लिखित परीक्षा होनी है वो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे का परीक्षा का समय होगा, आयोजित की जाएगी। और साथ ही जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है और फिर उसके पश्चात एक शारीरिक मानदंड को भी आपको पूरा करना होगा इसमें चयन के लिए। देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस एग्जाम में आवेदन करने के लिए। आप 22 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी और 7 अगस्त तक आप ऑनलाइन शुल्क भर सकते हैं। जो लिखित परीक्षा की संभावित तिथि है वो नवंबर माह बताई जा रही है। साथ ही जो लिखित परीक्षा है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी एक माध्यम से करवाई जा सकती है। बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की। शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होनी है उसमें आपको जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें पटवारी पद के लिए, दोनों पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भिन्न भिन्न है। जो पटवारी पद हैं उसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना अनिवार्य है और साथ ही जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ करना अनिवार्य है। लेखपाल पद के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें 60 मिनट में 9 किलोमीटर की दौड़ करनी है और जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी अनिवार्य है। शारीरिक मानदंड पटवारी और लेखपाल दोनों ही पदों के लिए एक जैसे हैं। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो जबकि पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य है। साथ ही जो सीने की माप है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने का कोई मानदंड नहीं रखा गया है, जबकि उनके लिए न्यूनतम वजन 45 kg होना अनिवार्य है। तो ये थी ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित जानकारियाँ। और अधिक जानकारी के लिए
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया है उसमें जाएं और उसमें से विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए chayanayog@gmail.com जो कि चयन आयोग का ईमेल आईडी है उस पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं। तो आप बिना देरी किए जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए और फिर जमकर तैयारियों में जुट जाइए। और ऐसे ही तैयारी और अन्य जानकारी से संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। गाइज जुड़े रहें, मिलते रहें। विश यू बेस्ट विशेज़।